अपने लबों पे मुस्कुराहट, यहाँ गम का खरीददार कोई नहीं। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के वार्षिक सम्मेलन एवं निर्वाचन कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त सम्माननीय राजस्व अधिकारियों का मैं नरेश शर्मा तहसीलदार मेहगांव जिला भिंड हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन हृदय अभिनंदन करता। हम स्वागत करते हैं अपनी कार्यशैली में शालीनता एवं सौम्यता का समावेश करने वाले हमारे मालवा के तहसीलदारों का। हम स्वागत करते हैं मां नर्मदा की पवित्रता से ओत प्रोत कार्य प्रणाली रखने वाले हमारे निमाड़ अंचल के साथियों का। हम स्वागत करते हैं अपने जुझारूपन से राजस्व संघ को बुलंदियों तक ले जाने वाले मेरे बघेल खंड के साथियों का। हम स्वागत करते हैं आम जनता के साथ असीम सौहार्द संबंध बनाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने वाले मेरे बुंदेलखंड के साथियों का। हम स्वागत करते हैं कृषकों को देवतुल्य मानकर उनकी समस्या का तत्परता से निराकरण करने वाले मेरे महाकौशल के साथियों का। और अपने अंतर मन की गहराइयों के साथ मैं हृदय से स्वागत करता हूं कानून व्यवस्था की किसी भी असंभव परिस्थिति का पल भर में हल निकालने वाले मेरे ग्वालियर चंबल संभाग के मेरे वीर प्रतापी तहसीलदार जी साहब। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन एवं इस मंच में, इस प्रांगण में, इस सभागार में पधारे हुए मेरे समस्त तहसीलदार साथी, इस मंच के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान कार्यकारिणी के प्रति अविश्वास के स्वर फूटना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से संवर्ग के साथियों की समस्याओं को शासन स्तर तक अवगत कराने में कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा लगातार उपेक्षापूर्ण व्यवहार करना इसके प्रमुख कारणों में रहा। मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर क्यों कोरोना महामारी के समय हमारे संवर्ग के प्रत्येक साथी का 24 घंटे कार्य करना तन मन धन से समर्पित होने के बावजूद हम अपनी उपयोगिता शासन स्तर को अवगत कराने में असफल साबित हुए हैं। आखिर क्यों बाढ़ एवं ओलावृष्टि जैसे कार्यक्रमों में, बाढ़ एवं ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सीना तान कर सबसे आगे बढ़ चढ़कर कार्य करने वाला राज्य शासन का यह संवर्ग शासन से पुरस्कार मिलना तो दूर, जल्दबाजी में किए जाने वाले मुआवजा वितरण भुगतान के कारण विभागीय जांच का दंश झेलता जान पड़ा है। आखिर क्यों महोदय जिन कलेक्टर महोदय के ये 24 घंटे लगातार जारी होने वाले आदेशों पर जी सर कहने वाला हमारा तहसीलदार संवर्ग उन्हीं कलेक्टर महोदय के द्वारा विधि विरुद्ध एक नायब तहसीलदार के निलंबन पर मौन धारण कर लेता है, आखिर क्यों महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ अपने समीपस्थ राज्यों के जब वहां के तहसीलदार संघ ग्रेड पे बढ़ाने में सफल होते हैं लेकिन मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी का संवर्ग ग्रेड पे बढ़ाने में असफल साबित हुआ है, आखिर क्यों मध्य प्रदेश से निकला हुआ राज छत्तीसगढ़ नियमित प्रमोशन पाने में सफल हुआ है लेकिन हमारे द्वारा इस संदर्भ में भी लगातार असफलता का परचम फहराया गया है, आखिर क्यों न्यायिक संरक्षण अधिनियम को SDM कलेक्टर कमिश्नर के द्वारा धज्जियां उड़ाई जाती हैं लेकिन हम न्यायिक संरक्षण अधिनियम की उपाध्येयता शासन स्तर को अवगत कराने में असफल रहे हैं, आखिर क्यों शासन स्तर से कार्यालय के समय निर्धारित होने के बावजूद भी तहसीलदार संवर को निद्रा आने तक कार्य करने के लिए विवश किया जा रहा है, आखिर क्यों महोदय लगातार संवर्ग के साथियों पर होने वाले हिंसा हमले एवं दुर्व्यवहार के कारण हम पुलिस प्रशासन पर कार्यवाही के लिए समुचित दबाव एवं शासन स्तर से सुरक्षा की मांग करने में अब तक असफल रहे हैं, आखिर क्यों महाअभियान संस्कृति में तहसीलदारों के द्वारा किए जाने वाले कार्य के कारण उनका प्रत्येक हस्ताक्षर उन पर EOW एवं लोकायुक्त की नंगी तलवार लटका रहा है, आखिर क्यों इन सभी आखिर क्यों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, हमारी जो वर्तमान में कार्यकारिणी चल रही थी और उसके जो कार्यकलाप चल रहे थे उनका जुझारूपन की नीति से विमुक्त होकर
मौन धारण करने की नीति को अपनाना, उनका समन्वय की नीति को छोड़कर तानाशाही पूर्ण अपना रूप अपनाना और उनका प्रश्न पूछने वालों से समन्वय एवं संपर्क स्थापित करने के स्थान पर उन्हें निष्कासन का रास्ता दिखाना। बात यहां निर्वाचन की, पिछले कुछ समय से लगातार ये बोला जाता था कि भोपाल आने की जहमत नहीं उठाई जाती है। इसी मंच से यह कहा गया है कि इतनी भीड़ अभी तक यहां उपलब्ध नहीं होती थी, 100 से 200 लोगों के बीच में निर्वाचन करा दिया जाता था और यदि मैं आंकड़ा ठीक पा रहा हूं तो 500 से अधिक व्यक्ति इस समय से सभागार में उपस्थित होंगे। तहसीलदार संपर्क का एक एक नायब तहसीलदार, प्रभावी नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भोपाल आकर जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहें वैसा आंदोलन करने के लिए कृत संकल्पित है। वो छुट्टी लेकर भी आ सकता है, कलेक्टर साहब से विवाद वाद विवाद एवं वार्तालाप करके भी आ सकता है, लेकिन हमें एक ऐसे ओजस्वी नेतृत्व की आवश्यकता है जो उन्हें वो बुलाए। जिला स्तर पर भी इसी तरह के कार्यक्रम हो और जो सम्मेलन है ये मध्य प्रदेश के सभी संभागों में हो, सिर्फ भोपाल में ना हो। तो मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, आज आपको एक स्वर्णिम अवसर मिला है ऐसी कार्यकारिणी का निर्माण करने का जो आपकी व्यक्तिगत समस्याओं में आपके भाई की तरह आपके साथ हो। आपकी गलती में विभागीय जांच करने वाले अधिकारी के रूप में हमें नहीं चाहिए हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमें ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो हमारी छोटी छोटी गलतियां ना निकाले और हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ दे। माननीय प्रमुख कवि श्री दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों के साथ वक्तव्य को विराम दूंगा कि पीर पर्वत सी भई अब तो पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी भई अब तो पिघल